हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं AUMBA 2023 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AUMBA का फुल फॉर्म देख लेते हैं। आंध्रा यूनिवर्सिटी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर गाइस आप लोगों को यहाँ पे आंध्रा यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एडमिशन चाहिए MBA के कोर्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक करना कंपलसरी मैंडेटरी है। अब गाइस इसके बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं। आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में रिलीज होगा, एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे डेट्स के बारे में। तो गाइस आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे अप्रैल में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाने वाला है, एग्जाम आप लोगों का मई में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई, जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी डेट्स अनाउंस करेगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में गाइस आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स जो एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट मूव ऑन टू एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं या कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हो, तो गाइस आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। अब आपको क्या करना है कि आप लोग एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट को किस तरह से स्कैन करके अपलोड करना है, फोटोग्राफ किस तरह से गाइस यहाँ पे प्रिस्क्राइब साइज एंड फॉर्मेट में अपलोड करना है एप्लीकेशन में। जस्ट किसी भी तरह से कोशिश करते हैं सबमिट करने की, ट्राई करते हैं बट एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाता है। तो गाइस आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना फेस, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ताकि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात की तो गाइस जनरल कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए आप 1600 रुपीज है, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 800 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। अब बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों की जो भी कैंडिडेट्स है, वहाँ यहाँ पे 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रख दी गई है, इससे ज्यादा की अगर आपकी एज है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप भारतीय नागरिक रहने चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे MBA प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन चाहिए, उसके लिए आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए, जो कि 3 ईयर्स का मिनिमम रहना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात की है तो एग्जाम आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही लगे वो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स करेगा, 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। टोटल क्वेरीज आप लोगों की 200 है, यानी कि पेपर में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम, हर एक सही आंसर पे 3 मार्क्स दिया जाएगा, गलत आंसर पे 1 मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि +3 -1 मार्किंग स्कीम है आप लोगों की। एंड मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है यहाँ पे पेपर का वो इंग्लिश रहेगा। फाइनली बात करेंगे गाइस आप लोगों का एडमिट कार्ड की। तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड में आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, एग्जाम्स के रिगार्डिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, ये सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। प्रॉब्लम ये है जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, या तो किस लिंक के थ्रू डाउनलोड करना, ऑफिशियल लिंक कौन सी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, ये पता नहीं होने के कारण एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड रिलीज होगा, हम आपको लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे, सेम वीडियो का आपको प्रोसेस को फॉलो करना, आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम एज इट इज फॉर आंसर की, रिजल्ट एंड काउंसलिंग, हर एक इवेंट के लिए आपको लाइव प्रोसेस करके बता दिया जाएगा। सो गाइस नाउ आई होप आप लोगों को AUMBA 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी इश्यू, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।